Welcome learners. Dear learners, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको यूनिट टू MCS 022 करवा रही हूँ. आई होप कि आपने इसकी प्रीवियस जो दो वीडियोस हैं वो देख ली है. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसके तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर, देन है मल्टी थ्रेडिंग, और उसके बाद जो है वो है सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं. और बेनिफिट ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर. जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो दो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें बताया था कि मैं इसमें आपको टॉपिक नहीं करवा रही, जस्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. सो व्हाट इज माइक्रो कर्नल? माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर असाइंस ओनली अ फ्यू एसेंशियल फंक्शंस टू द कर्नल. कौन कौन से फंक्शन असाइन होते हैं? जैसे कि एड्रेस स्पेस है, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन है, या बेसिक स्केड्यूलिंग. क्योंकि माइक्रो कर्नल जो अप्रोच है ये इंप्लीमेंटेशन को सिंप्लीफाई करती है. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एंड इट इज वेल सूटेड टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट. राइट, मैंने आपको क्या बताया कि जो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर है कुछ एसेंशियल फंक्शन जो है वो कर्नल को असाइन करता है जिससे इम्प्लीमेंटेशन सिंप्लीफाई होती है और सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी आती है. And it is well suited to a distributed environment. Next is multi-threading. Multi-threading जो टेक्निक है इसमें जो प्रोसेस है इसमें जो एप्लीकेशन है वो डिवाइड होती है. इसमें थ्रेड्स में तो आपको एग्जाम में थ्रेड्स और प्रोसेस इनका डिफरेंस आ सकता है. व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड जो है वो एक डिस्पैचेबल यूनिट है जो कि सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है.
और जो प्रोसेस है वो क्या है, वो थ्रेड्स का कलेक्शन है, राइट। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग जो टर्म है वो कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेफर करती है एंड आल्सो टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चर। तो जो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, शेड्यूल करता है प्रोसेसेस को और थ्रेड्स को और प्रोसेसर्स, राइट। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग टर्म है दैट रेफर्स टू ए कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एसएमपी का वो शेड्यूल करता है प्रोसेसेस को और थ्रेड्स को अक्रॉस ऑल ऑफ द प्रोसेसेस। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे, और अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ये पीपीटी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।